नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेट इन्फो वेज में। दोस्तों, आज हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं महाबोध एक्सप्रेस ट्रेन की। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन पर क्लिक ज़रूर करें। दोस्तों, महाबोध एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो नई दिल्ली से गया तक चलती है। यह डेली ट्रेन है, हफ्ते में 7 दिन चलती है और इस ट्रेन का नंबर है 123-98। यह ट्रेन 15 घंटे 10 मिनट में अपनी जर्नी कवर करती है और इसके तकरीबन 16 स्टेशंस हैं। नई दिल्ली से गया जंक्शन की जो दूरी है वो 992 किलोमीटर कवर करती है और इसकी जो एवरेज स्पीड है वो है 65 किलोमीटर पर आवर। इसमें LHB कोचेस दिए लगाए गए हैं जो कि सेफ्टी और स्पीड के हिसाब से बहुत अच्छे माने जाते हैं। अब बात करते हैं इसके टिकट किराए की, तो इसमें सेकेंड AC, थर्ड AC, स्लीपर और जनरल डिब्बे अवेलेबल हैं। सेकेंड AC का जो किराया है वो है 1860 रुपये, थर्ड AC का किराया 1300 रुपये, स्लीपर क्लास का किराया है 490 रुपये और जनरल डिब्बों का किराया है 270 रुपये। इसमें पेंट्री कार्ड भी शामिल है जहां पर हमें फूड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन इसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अब बात करते हैं इसके टाइम टेबल और इसके स्टेशनों की। तो दोस्तों, यह ट्रेन नई दिल्ली से हर रोज़ दोपहर के 12:10 पर 8 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। इसका जो अगला स्टेशन है वो है अलीगढ़ जंक्शन, जहां पर ये 1:51 दोपहर को पहुंचती है और 1:53 पर यहां से रवाना होती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। अगला इसका स्टेशन सेंट्रल, जहां पर ये 5:30 पर पहुंचती है और 5:40 पर यहाँ से रवाना होती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। अगला जो इसका स्टेशन है वो है बरवारी स्टेशन, जहाँ पर ये 7:12 पर पहुँचती है और 7:13 पर रवाना होती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। अगला जो इसका स्टेशन है वो है इलाहाबाद जंक्शन, जहाँ पर यह 8:15 पर पहुँचती है और 8:20 पर यहाँ से रवाना होती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। अगला इसका स्टेशन आता है दोस्तों विंध्याचल स्टेशन, जहाँ पर यह 9:23 पर पहुँचती है और 9:25 पर यहाँ से रवाना होती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। अगला इसका स्टेशन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जहाँ पर यह 11:25 पर पहुँचती है, 11:27 पर यहाँ से रवाना होती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। अगला इसका स्टेशन है दोस्तों चंदौली मजवार स्टेशन, जहाँ पर यह 11:55 पर पहुँचती है और 11:56 पर यहाँ से रवाना होती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। इसका जो अगला स्टेशन है दोस्तों वो है बबुआ रोड स्टेशन, जहाँ पर यह 12:22 रात को पहुँचती है और 12:23 पर यहाँ से रवाना होती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद इसका अगला स्टेशन आता है कुद्रा स्टेशन, जहाँ पर यह 12:40 पर पहुँचती है और 12:41 पर यहाँ से रवाना होती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। इसका अगला जो स्टेशन है वो राम जंक्शन, जहाँ पर यह 1:01 पर पहुँचती है रात को, 1:02 पर यहाँ से रवाना होती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। अगला जो इसका स्टेशन है वो है देरी ऑन सोने, जहाँ पर यह 1:17 पर पहुँचती है और 1:19 पर यहाँ से रवाना होती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। अगला इसका स्टेशन है अनुग्रह नारायण रोड, जहाँ पर यह 1:32 पर पहुँचती है और 1:33 पर यहाँ से रवाना होती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। इसका जो अगला स्टेशन है दोस्तों वो है रफीगंज स्टेशन, जहाँ पर ये 1:57 पर पहुँचती है और 1:58 पर यहाँ से रवाना होती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। अगला जो इसका स्टेशन आता है वो है गुरारू स्टेशन, जहाँ पर ये 2:11 पर पहुंचती है और 2:12 पर यहाँ से रवाना होती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। इसका आखिरी जो स्टेशन है वो है गया जंक्शन, जहाँ पर ये 3:20 पर पहुंचती है और 3 या 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी जर्नी समाप्त कर लेती है और यहाँ तक कि यह 292 किलोमीटर की दूरी जो है वो कवर कर चुकी होती है। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ ही ये ट्रेन जानकारी ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें।